नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं ऑथम न्यूज़। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच टकराव फिर बन गया है। ये टकराव काफ़ी समय से शांत चल रहा था, लेकिन दिल्ली में तो दो दिल्ली बैठी हैं, एक बड़ी दिल्ली यानी केंद्र सरकार और एक छोटी दिल्ली यानी दिल्ली की राज्य सरकार। अब सवाल ये है कि दिल्ली में किसकी सरकार है। केजरीवाल सरकार कल से धरने पर बैठी है, वजह तो आपको पता ही होगी। नहीं पता तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें और डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। केंद्र सरकार के एनसीटी बिल में संशोधन के बाद केजरीवाल सरकार बिल का जमकर विरोध कर रही है। केजरीवाल सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने भी बिल के संशोधन का विरोध किया। सुनवाते हैं आपको क्या कहा। हमें यहां जंतर मंतर पर क्यों आना पड़ा? दिल्ली की जनता की लोकप्रिय सरकार को रोड पर क्यों आना पड़ा? इसको अगर आप समझना चाहें तो आपको 49 दिन की सरकार के काम को याद करना पड़ेगा। 49 दिन की सरकार में जिस तरीके से हमने भ्रष्टाचार को पूरी तरीके से रोक दिया था और जो बिजली पानी पर जो वायदे किए थे वो वायदे पूरे किए थे, इसका असर ये हुआ कि जब 2015 के अंदर चुनाव हुआ तो दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी की नीतियों से खुश होकर, आम आदमी पार्टी के ऊपर भरोसा करके, उन्होंने 70 में से 67 सीट आम आदमी पार्टी को दी और अपनी लोकप्रिय सरकार का गठन किया। और उसके बाद इन्होंने सोचा कि 49 दिन की सरकार में किस तरीके से भ्रष्टाचार पर रोक लगा दी थी। इसका एक ही कारण था कि रिश्वत लेने वाले लोगों को एंटी करप्शन ब्रांच के माध्यम से पकड़वाया जा रहा था, तो उन्होंने सोचा कि सरकार के पास जो दांत हैं उन दांत को तोड़ दो। तो उसी साजिश के तहत इन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ला के होम मिनिस्ट्री ने दिल्ली की सरकार से एंटी करप्शन ब्रांच को छीना और दूसरी तरफ एक और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लाके दिल्ली सरकार के हाथ से सर्विस डिपार्टमेंट को छीना, ताकि जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उनके ऊपर से नियंत्रण के दिल्ली की सरकार का खत्म हो जाए। और जब एंटी करप्शन ब्रांच नहीं होगी तो रिश्वत लेने वाले लोगों को पकड़ना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 2015 में जब सरकार बनी, आपको याद होगा, खजूरी खास थाने के अंदर एक हेड कांस्टेबल को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। और उसके बाद क्या हुआ, दिल्ली की पुलिस ने एंटी करप्शन ब्रांच के इंस्पेक्टर्स के खिलाफ उस हेड कांस्टेबल को किडनैप करने का मुकदमा दर्ज कर दिया। इसका मतलब यह है कि यह दिल्ली की सरकार से भारतीय जनता पार्टी घबराती है, इसलिए वो दोनों एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लाकर दिल्ली की सरकार को कमजोर करने का काम किया, जिसकी वजह से लड़ाई कोर्ट में गई और एक दिन 2018 के अंदर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का 5 जज बेंच का जजमेंट आया, जिसने ये निर्धारित कर दिया कि दिल्ली के सरकार के अधीन कौन से काम होंगे और केंद्र के जो एजेंट के रूप में एलजी काम करते हैं उनके अधिकार क्षेत्र में कौन से काम होंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी तय कर दिया कि अब चुनी हुई सरकार ही सरकार होगी, एलजी सरकार नहीं होगा, और जो दिल्ली से संबंधित अधिकार क्षेत्र की फाइलें हैं उन फाइलों को अब एलजी के पास भेजने की जरूरत नहीं होगी, उनको केवल सूचना देने की जरूरत होगी। जिसकी वजह से लगातार एक के बाद एक दिल्ली की सरकार ने तेज गति से दिल्ली के लोगों के लिए काम करना शुरू किया और उसका रिजल्ट यह हुआ कि 5 साल की सरकार के अंदर एक एक करके अगर आप हमारे वायदे देखो, पूरे भारत के अंदर जितनी भी राज्य सरकारें हैं या केंद्र सरकार है, अगर आप उन सबके घोषणा पत्र को पढ़ लो और उनके नेताओं के चुनाव के समय दिए हुए भाषणों को आप सुन लो तो आपको पता लगेगा आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार इकलौती सरकार है जिसने अपने वायदों को पूरा किया, घोषणा पत्र में कही गई सारी बातों को पूरा किया। अब मेरे साथी पीछे से कह रहे हैं बस यहीं पर रोक दो, तो मैं फिर एक दो बात कहकर रोक देता हूं। मैं अनुशासित व्यक्ति हूं। आज केंद्र की सरकार बौखला गई है, उसको यह समझ आ गया कि 2020 के अंदर उसने अपने सारे के सारे मंत्रीगण को दिल्ली के चुनाव में लगा दिया और यहां तक कि लोगों में नफरत पैदा की गई, जाति और धर्म के नाम पे लोगों को बांटने की साजिश की गई। सारी ताकत, धनबल, बाहुबल, जनबल, सारी ताकत लगाने के बावजूद
दिल्ली की जनता को एक पहली ऐसी सरकार मिली, एक ऐसी पार्टी की सरकार मिली जिसके नेता ने कहा कि हमने अगर काम किया हो तो हमें वोट देना और हमने अगर काम ना किया हो तो हमें वोट मत देना। और दिल्ली की जनता ने काम के आधार पे आम आदमी पार्टी को 70 में से 62 सीट देके हमारी ताकत को, हमारी पार्टी को इतनी ताकत दी ताकि हम जनता के काम जिस तरह एक के बाद एक हम अपने वायदे पूरे कर रहे हैं। हमने कहा था बिजली हाफ करेंगे, पानी माफ करेंगे, हमने ये नहीं कहा था हम बिजली 200 यूनिट फ्री करेंगे लेकिन हमने कर दी। हमने ये नहीं कहा था बसों में महिलाओं को यात्रा फ्री करेंगे लेकिन हमने कर दी। हमने ये नहीं कहा था हम बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा फ्री कराएंगे लेकिन हमने करा दी। तो हमारे इन्हीं सारे कामों से बौखला कर केंद्र की सरकार इतनी परेशान हो गई कि वो सुप्रीम कोर्ट के, माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को के खिलाफ जाकर दिल्ली के सरकार के अधिकारों को अतिक्रमण करना चाहती है। इसीलिए वो संसद के अंदर ये दिल्ली का जो एक्ट है एनसीटी, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एक्ट, उस एक्ट को बदलना चाहती है ताकि दिल्ली की सरकार की फाइलें फिर से एलजी के पास जाएं और वो फाइलें वहां रखी रहें। जनता के काम जिस तेज गति से आज आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है वो तेज गति से सरकार काम ना कर पाए, क्योंकि जब तक माननीय एलजी साहब के यहां से फाइल क्लियर नहीं होगी तब तक वो काम आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये साजिश दिल्ली के सरकार के खिलाफ है, ये साजिश दिल्ली की जनता के खिलाफ है, दिल्ली की चुनी हुई सरकार के खिलाफ है, ये भारतीय संविधान का जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसके खिलाफ है, जो संघवाद के खिलाफ है, ये जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें केंद्र राज्यों के अधिकार क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं ये उसके खिलाफ है। हम आज मांग करते हैं केंद्र सरकार से, सरकार कोई परमानेंट होती नहीं है, आज हम दिल्ली में कल को आप आ सकते हो, आज आप केंद्र में हैं कल केंद्र में हम आ सकते हैं। तो याद रखना आप जिस तरह का कुचक्र चला रहे हैं ये चलने वाला नहीं है, देश की जनता आपको जवाब जरूर देगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भीम, जय भारत। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, ज्यादा अपडेट्स के लिए फॉलो करें ऑथम न्यूज़। धन्यवाद। हाथ तो मेरे आए नहीं।